गुलेरिया थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गैस एजेंसी मैनेजर से लूट की घटना कारित करने वाले चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विजय कुमार भारती पुत्र हरि प्रसाद निवासी चैनपुर टोला रामनगर थाना गुलेरिया गोरखपुर, दूसरा पवन पुत्र अर्जुन निवासी ग्राम गुरुनगर थाना चिलवा ताल जनपद गोरखपुर, तीसरा अनिरुद्ध पुत्र राधे निवासी थाना छाकुरपुर नंबर दो टोला बोहा थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर, चौथा श्रीकेश निषाद पुत्र रामप्रीत निषाद निवासी जैनपुर टोला महुआ थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 6,19,000 रुपया नगद, एक पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 इंडियन बैंक का चेक व आरटीजीएस फॉर्म, आई कार्ड, बायोमेट्रिक टैबलेट, सैमसंग सीजीटी बैग नीले कलर का, कैश बैग, कंज्यूमर कार्ड पास से बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि 1 जनवरी को भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड समूह का पैसा अकटहवा से एकत्रित कर असनहिया जाते समय पुल के पास एजेंट से हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर सवार 2 अभियुक्तगण द्वारा पिस्टल दिखाकर डरा धमकाकर कंपनी का बैग में रखा सैमसंग का टैब, बायोमेट्रिक, नगद पैसा 51,125 लूट लेने के संबंध में गुलेरिया थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 13 फरवरी को शिव शक्ति गैस एजेंसी भचज के मैनेजर को बैंक में कैश जमा करने हेतु ले जाते समय गैस सर्विस से 100 मीटर आगे हरिजन बस्ती भटट के पास से हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर सवार 2 अभियुक्तगण द्वारा पिस्टल दिखाकर डरा धमकाकर 6,24,000 रुपये चेक व आरटीजीएस फॉर्म को लूट लेने के संबंध में गुलेरिया थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि अभियुक्त विजय कुमार भारती व श्रीकेश द्वारा रेकी कर घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण पवन कुमार व अनिरुद्ध कुमार को सूचना देकर आगे पीछे लगकर लूट की घटना को अंजाम देना, इसी क्रम में अभियुक्त विजय कुमार भारती जिसके परिवार के लोग भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड समूह के सदस्य होने के दौरान एजेंट द्वारा पैसा एकत्रित किए जाने की जानकारी होने पर समय व रास्ते की रेकी कर श्रीकेश के साथ मिलकर मुखबिरी कर लूट की घटना दिनांक 1 फरवरी को हीरो स्प्लेंडर प्लस बिना नंबर से अभियुक्तगण पवन कुमार व अनिरुद्ध कुमार से कारित कराना, इसके अलावा 13 फरवरी के घटना के अनावरण के लिए जनपद स्तर पर कुल 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा घटना स्थल के साथ साथ अभियुक्तों के घटना स्थल पर आने तथा घटना को अंजाम देने के बाद वापस जाने वाले मार्गों के साथ साथ कस्बा भटहट में लगाए गए हर घर सीसीटीवी कैमरे की जाँच की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी में अभियुक्तों की फुटेज प्राप्त होने पर उनकी छानबीन की गई। इसके अतिरिक्त सर्विलांस सेल की मदद से अभियुक्तों की फोटो प्राप्त की गई। इसी प्रकार इस घटना के पहले 1 फरवरी को हुई लूट की घटना में भी सीसीटीवी कैमरों की मदद से अभियुक्तों की फोटो प्राप्त की गई। दोनों घटनाओं में प्राप्त सीसीटीवी फोटो का मिलान किया गया एवं दोनों घटनाओं के वादी को भी दोनों घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की फोटो दिखाकर पहचान कराई गई तथा क्रॉस चेकिंग किया गया तो पाया गया कि दोनों घटनाओं के अभियुक्तों की हुलिया व अपराध करने का तरीका एक जैसा पाया गया। गैस एजेंसी मैनेजर के साथ लूटपाट की घटना के संबंध में बातचीत करने से मालूम हुआ कि एजेंसी पर पूर्व में काम करने वाले कर्मचारी श्रीकेश जो लगभग 3 वर्ष पूर्व नौकरी करता था, जिसे गोदाम के कैश ले जाने के संबंध में जानकारी थी, जिसके आधार पर घटना के दिन अभियुक्त श्रीकेश ने मैनेजर के द्वारा पैसा लेकर एजेंसी से निकलते ही इसकी जानकारी अभियुक्तगण पवन कुमार अनिरुद्ध कुमार को दिया, जिस पर दोनों अभियुक्तों द्वारा गैस एजेंसी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही मोटरसाइकिल से धक्का देकर गिराकर तमंचा से धमकाते हुए रुपए से भरा बैग लूट ले गए। अभियुक्त श्रीकेश तथा अभियुक्त विजय कुमार भारती द्वारा अभियुक्त पवन व अनिरुद्ध निषाद के साथ मिलकर गैस एजेंसी के पास चाय की दुकान पर पूर्व के 2 सोमवार को समय लगभग 2 बजे से 4 बजे के मध्य बैठकर रेकी की गई, क्योंकि सोमवार से पूर्व बंदी होने के कारण कैश अधिक एकत्र हो जाता था। अभियुक्तों द्वारा घटना में रेकी करने तथा घटना को अंजाम देने में विभिन्न तिथियों में 4 मोटरसाइकिल को बदल बदल कर प्रयोग किया गया। अभियुक्तों के पास से विभिन्न घटनाओं में चोरी के 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिनके संबंध में थाना गुलेरिया पर पूर्व में चोरी के अभियोग
पंजीकृत हैं। उक्त मुकदमों में भी अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, वरिष्ठ उपनिरीक्षक शेष कुमार शर्मा, एसओजी प्रभारी मनीष यादव, उपनिरीक्षक ज्योति नारायण तिवारी, अश्विनी कुमार चौबे, विवेक अवस्थी, छोटेलाल राय, हेड कांस्टेबल मनोज चौरसिया, नमित मिश्र, अरुण यादव, कांस्टेबल गणेश शंकर पांडे, अशोक चौधरी, राज मंगल सिंह, राम इकबाल राव, अरुण खरवार, इंद्रेश कुमार वर्मा, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, रवि चौधरी, अजीत दुबे, राहुल कुमार, मिथिलेश कुमार, महिला कांस्टेबल रंजना, राजू यादव, विश्वजीत सिंह, शिवाजी प्रसाद, वीरेंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर कौरव क्रोअर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना गुलरिया के भटट क्षेत्र में 13 तारीख को एक गैस एजेंसी के मैनेजर, जो कि अपनी गैस एजेंसी से बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे, उनके साथ मोटरसाइकिल सवार दो लोगों द्वारा असले के बल पर उनके बैग और कैश की लूट की गई थी, जिसमें कुल 6,24,000 रुपये नकदी की लूट रिपोर्ट हुई थी। घटना को गंभीर समझते हुए सभी अधिकारियों का घटनास्थल का मुआयना किया गया था। इसमें कई टीमें एसपी नॉर्थ, एसपी क्राइम और सीओ चौरी चौरा के निर्देशन में थाने के अतिरिक्त एसओजी की टीम और साथ में सर्विलांस की टीम को लगाया गया था। बृहद स्तर पर इसमें सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने से एक बात क्लियर हुई कि ऐसी ही एक घटना इसी थाना क्षेत्र में 1 फरवरी को हुई थी, जिसमें एक समूह का पैसा एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति से 50,000 रुपये और टैबलेट की लूट हुई थी। उसके भी सर सीसीटीवी को खंगाला गया तो लूट करने वाले जो व्यक्ति थे उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई गई। इन दोनों वीडियोस को क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो दोनों घटनाओं के वादी थे उनको दिखाया गया, जिनके द्वारा इन संदिग्धों को काफ़ी हद तक पहचाना गया और ये क्लियर किया गया कि इन्हीं के द्वारा घटना की गई है। इसके अतिरिक्त इन दोनों घटनाओं में, क्योंकि घटनाएं बहुत सटीक और वेल प्लान्ड तरीके से की हुई लग रही थी, तो इस घटना में मुखरी होने के काफ़ी चांसेस थे। इस पर काम करते हुए दोनों घटनाओं पर अलग अलग टीम ने काम किया और ये बात निकल करके आई कि गैस एजेंसी वाली लूट में एक पुराना कर्मचारी है जिसको इस चीज़ की जानकारी थी, और जो पहले वाली घटना है उसमें एक ऐसा अपराधी है जिसके गांव से समूह का पैसा इकट्ठा किया जाता था। जब इनको अलग से संदिग्ध मानते हुए इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा दोनों घटनाओं में घटना करने वाले व्यक्ति पवन और अनिरुद्ध की पहचान की गई और अपने द्वारा मुखबिरी करने की घटना को कबूला गया। इस घटना में चार लोगों की अरेस्टिंग हुई है, पवन, अनिरुद्ध, विजय और श्रीकेश। इन दोनों घटनाओं में जो कैश की लूट हुई थी उसमें 6,19,000 रुपये, जो कि 95% के आसपास पड़ता है, 95% कैश की बरामदगी हुई है। इसके अतिरिक्त इस पूरी घटना को कारित करने में और इस घटना की रेकी करने में कुल 4 मोटरसाइकिल यूज हुए थे, वो चारों बरामद हुए हैं, जिसमें कि 2 चोरी के मोटरसाइकिल हैं। इन चोरी के मोटरसाइकिल की पहले से ही मुकदमे पंजीकृत हैं, वो भी कनेक्ट हो गए हैं। इसमें से 3 व्यक्तियों के ऊपर पहले भी आपराधिक मुकदमे हैं और ये जेल जा चुके हैं। इन चारों को अरेस्ट करके और बाकी बरामदगी के साथ इनको जेल भेजा जा रहा है। जल्दी ही इसमें चार्जशीट लगाकर इन सबके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बहुत ही चैलेंजिंग घटना के खुलासे के लिए वेल प्लान तरीके से और एविडेंसेस के आधार पर इस घटना के सफल अनावरण हेतु मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार घोषित करता हूँ। देखिए, जो इसमें श्रीकेश नाम का व्यक्ति है वो गैस एजेंसी पर 3 साल पहले काम करता था। उसको इस बात की जानकारी थी कि मंडे के दिन, क्योंकि संडे और सैटरडे पड़ जाता है, तो मंडे के दिन जो मैनेजर है वो भारी मात्रा में कैश, जो कि कई बार 10 लाख रुपए तक का भी होता है, वो लेकर के जाता है। इसी के द्वारा विजय से संपर्क किया गया
और फिर पवन और अनिरुद्ध जो कि विजय के संपर्क में पहले से थे उनमें संपर्क में आकर के ये घटना इसके द्वारा कारित कराई गई। देखिए असलह के बारे में इनके द्वारा जानकारी दी गई है, उस पर भी काम चल रहा है, जल्द ही असलह इनको प्रोवाइड कराने वालों के ऊपर भी हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए इस उनको दोषियों को सजा देंगे। देखिए इस ग्रोह में मेन जो मुखबिरी करने वाले हैं वो तो विजय और श्रीकेश है, लेकिन घटना को कारित करने वाला मेन जो मास्टरमाइंड है या घटना को प्लान करने वाला वो पवन नाम का व्यक्ति। अभी इसके बारे में जानकर है ड्राइवर है ये गाड़ी का, लेकिन इसके ऊपर पहले से भी घटना जो है मुकदमे दर्ज है।